नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को जैविक खेती के बारे में, उसमें बर्मी कंपोस्ट खाद कैसे तैयार की जाती है, उसका क्या फ़ायदा है, और एक हमारे बीच में प्रगतिशील किसान रामपुर के हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं और बर्मी कंपोस्ट भी तैयार कर रहे हैं, वो कैसे तैयार करते हैं उनसे जानकारी लेते हैं। आओ आपको दिखाते हैं। जी आप अपना इंट्रोडक्शन बताइएगा। आपका क्या नाम है? इमरत सिंह मुरसाना रहता हूँ मैं, और जैविक खेती करता हूँ मैं। इसके बारे में बताइएगा, आपने इसको कैसे तैयार किया? ये 7x4 फीट का गड्ढा बना है। ठीक। और इसमें 6 क्विंटल गोबर आती है। ठीक। और इसमें कैंचू छोड़े जो बागपत से आए थे, छोटे कैंचू। जी जी। और ये 2 महीने खाद तैयार कर देते हैं। ये गोबर से 10 गुना पावर बढ़ जाती है कैंचू निकलने का। मतलब ये जो सामान्य गोबर पड़ा हुआ है, इससे है जो इसका परसेंटेज बढ़ जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की मात्रा है जो बढ़ जाती है, और ज़्यादा बढ़ जाती है। जनाब इसमें दिखाई केचुए हैं, इसमें दिख रहे हैं ये इस तरीके केचुए होते हैं। ये जो खेतों में हमारे केचुए पाए जाते हैं उनसे अलग होते हैं। ये सिर्फ है जो बर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए ही केचुए होते हैं। इस ये गोबर को खाते हैं, इनकी जो लेटिन होती है वही बर्मी कंपोस्ट खाद बन जाती है। ये है जो हमारी फसलों के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो इस तरीके से आप, ये कितने दिन में तैयार हो जाती है खाद? ये 1.5 से 2 महीने तैयार हो जाती है। 1.5 से 2 महीनों में ये तैयार हो जाती है। इसका फसलों में क्या उपयोग रहता है? ये फसलों में अच्छी पैदावार देती है, और ज़्यादा थोड़े में ज़्यादा पैदावार देती है। मतलब आपको है जो रासायनिक खाद कम डालनी पड़ती है। हाँ। आप है जो बर्मी कंपोस्ट खाद डालते हैं, 5% तक डालनी पड़ती है भाई, ये डालते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको रासायनिक मतलब दवाइयों से भी दूर रहना पड़ता है, बीमारियाँ भी नहीं लगती हैं। जी जी। तो इसका बहुत अच्छा उपयोग रहता है। ये